जब कोई व्यक्ति दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, उसका वह कार्य हमेशा लोगों की दृष्टि में प्रशंसनीय होता है। आज के पवित्र सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों की आलोचना करते हुए लोगों से कहते हैं, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहते हैं उसे सुनते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुकरण मत करो। ना केवल प्रभु यीशु शास्त्रियों और फरीसियों की आलोचना करते हैं, बल्कि शास्त्रियों और फरीसियों की जो अच्छे कार्य हैं, जो लोगों के हित के लिए वे जो कार्य करते हैं, उसकी भी आलोचना करते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, उसका वह कार्य हमेशा लोगों की दृष्टि में प्रशंसनीय होता है। लेकिन प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि शास्त्री और फरीसी जो दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, उनकी भी आलोचना करते हैं। प्रभु यीशु उनके कार्यों की आलोचना क्यों करते हैं? फरीसी और शास्त्री दूसरों के भलाई के लिए कार्य इसलिए करते थे ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें, लोग उनकी इज्जत करें, वह लोगों से वाह वाही पाना चाहते थे, लोग उनका मान सम्मान करें, इसलिए बस दिखावा मात्र के लिए वे लोगों के प्रति जो अच्छे कार्य हैं उसको करते थे। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम सभी चालीसे काल में हैं और इस चालीसे काल में पवित्र कलीसिया हमसे यह चाहती है कि हम त्याग तपस्या करते हुए परोपकार का कार्य करें, लोगों की अच्छाई के लिए कार्य करें। लेकिन आज हमें अपने जो अच्छे कार्य हैं, जो लोगों के भलाई के प्रति करते हैं, उन कार्यों पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्या मैं फरीसियों और शास्त्रियों की तरह मैं लोगों के हित के लिए अच्छाई का काम करता हूँ, परोपकार का कार्य करता हूँ? क्योंकि मैं भी फरीसियों और शास्त्रियों की तरह अपने जीवन में वाह वाही पाना चाहता हूँ। क्या मैं दूसरों की सहायता इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं भी अपने जीवन में लोग मेरी इज्जत करें, इसलिए क्या मैं दूसरों की सहायता करता हूँ? या मैं दूसरों के लिए अच्छा क्या कार्य करता हूँ क्योंकि मेरे जो कार्य हैं वह निस्वार्थ हैं और वह कार्य ईश्वर की दृष्टि में प्रिय है? ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे यह भी कहते हैं कि हम एक दूसरे का सेवक बने। इसका तात्पर्य यही है कि हम निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सहायता करें। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, इस चालीसे काल में त्याग तपस्या करते हुए, दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव से कार्य करते हुए, आइए हम प्रभु यीशु का यह आमंत्रण को स्वीकारें और हम इस चालीसे काल में एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन यापन करें। आमीन।